हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड चलो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। एंड आज सुबह सुबह अभी सुबह निकल गए ऑफिस के लिए। नॉर्मली आज छुट्टी था बट साइट पे निकल गए हैं। एंड अभी मैं निवान को थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ। पूरा वीक छुट्टी चल रहा था तो महाराज का पढ़ाई बहुत स्लो चल रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी छुट्टी चल रहा है, नेक्स्ट वीक से फिर से स्कूल स्टार्ट हो जाएगी। अब तो सारी छुट्टी ख़त्म। निवान को थोड़ा देर पढ़ा लूँ, उसके बाद मैं घर का काम करूँगी और फिर खाना वाना बनाएंगे। सो मगर लंच आवर तक आ गए तो बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली वो आते नहीं है। वो हमेशा बोलते हैं मैं आ जाऊंगा लंच आवर तक, लेकिन आज तक कभी नहीं आए। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. तो ये रहा पाप द माच। कल लाया था मैंने लुलू मॉल से और आज इसका बनाएंगे करी। और अभी फिलहाल पूरा आइस हो रखा है क्योंकि फ्रिज से निकला है, तो इसको डिफ्रोस्ट होने देते हैं। So catch me if I fall. मसाला बन रहा है और इधर फिश फ्राई हो गया है, तो मसाला हो जाए फिर इसमें फिश डाल के अपने अमाउंट का पानी डाल के उसको बना लेना है। I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज है संडे, तो संडे तो घर पे सबको ही है और आज एक्चुअली लास्ट छुट्टी है। निवान का लास्ट पूरा वीक छुट्टी रहा और कल से सोम का ऑफिस, निवान का स्कूल। अभी फिलहाल दिसंबर तक सब कंटिन्यूसली चलने वाला है। और आज सुबह सुबह मुझे एक रील में दिख गया दही बड़ा आलूदम। अभी मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कोई दही बड़ा आलूदम दे दो कहीं से, अपना बनाया हुआ नहीं चाहिए, वो बाहर का जो मिलता है ना वही वही मन कर रहा है। पता नहीं आज सुबह से लालच उठी है दही बड़ा आलूदम की। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। एंड अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। तुमका मोबाइल टूट गया था तो उसको दिए थे ठीक करने के लिए, बट वो ठीक हुआ नहीं। वो इतना बुरी तरीके से टूटा है, अगर वो वैसा होगा मैं आपको दिखाऊंगी कैसा हालत हुआ है। एंड वो देते टाइम ही हम लोग को पता था उसका और कुछ होने नहीं वाला, तो अभी निकलेंगे उसको लेने के लिए। चलो अभी निकलते हैं। बट यार कोई किसी को पता है बैंगलोर में कहाँ पे दही बड़ा आलूदम मिलता है तो मेरे को बताना, कोई बना दे हो तो दे देना यार। बट वो भुवनेश्वर कटक वाला वो जो रास्ते के साइड में मिलता है ना, वो वाला टेस्ट नहीं मिलेगी। समझ रहे हो, समझ रहा। मैं भुवनेश्वर में थी, इतना खाया है, ज्यादातर दिन सुबह का ब्रेकफास्ट वही होता था। दही बड़ा आलूदम चाहिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। तो पहले लिया है मस्टर्ड ऑयल लाइक 3 टेबलस्पून, उसमें लिया है सब खड़े गरम मसाले, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग। तो इसको थोड़ा देर रोस्ट होने देंगे, फिर उसके बाद डालेंगे ये मसाला। इसमें है एक बड़ा साइज का ऑनियन और उसके साथ जिंजर, गार्लिक और एक 1 टेबलस्पून पॉपी सीड्स यानी पोस्तो दाना और 2 टेबलस्पून रोस्टेड वाला पीनट,
सबको पेस्ट कर लिया है, अभी इसको थोड़ा देर भून लेंगे अच्छे से। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च लाइक 1 टीस्पून, और अभी इसको भी मसाले के साथ भूनेंगे। फिर ये अच्छे से भून जाए फिर इसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट मसाले का पेस्ट। तो नेक्स्ट पेस्ट है टोमेटो, वो एक मीडियम साइज टोमेटो, उसके साथ जीरा पाउडर 1 टीस्पून और कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून और हल्दी लाइक थोड़ा सा जितना चाहिए होता है। और उसके बाद इस मसाले को भी अच्छे से मैं 2 बार पानी दे के अच्छे से भुना है। मसाले को पकाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पीनट्स है तो मसाले को पकाना चाहिए, नहीं तो खाने में वो टेस्ट नहीं आएगी। जब अच्छे से पक जाएगा ना तो ऐसे ऑयल छोड़ने लगेगा मसाला, और जब ऐसे ऑयल छोड़ने लगे तो बस जान लो मसाला हो गया। और अभी उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ रोस्टेड वाला कसूरी मेथी लाइक 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा क्रश किया है थोड़ा नहीं किया है वैसे ही डाल दिया है। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर जितना ग्रेवी रखना है उतना पानी ऐड किया है, फिर मैंने पनीर क्यूब्स ऐड किया है। ये पनीर क्यूब्स के पीसेस थोड़ा साइज़ में नहीं है क्योंकि सो निवान ने काटा है ये पनीर क्यूब्स, वो बोला मैं काटूँगा। एंड फिर इसको ढक के 10-15 मिनट पकने देंगे ताकि पनीर के अंदर अच्छे से मसाला घुस जाए। एंड ये देखो अब ये मोस्ट ऑफ रेडी है। जब हो जाए उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है शाही गरम मसाला, सॉरी शाही पनीर मसाला, और साथ में एक 1 टीस्पून घी। तो ये लास्ट का ये वाला पार्ट बहुत ही मैं हमेशा ऐड करती हूँ। और साथ में 2 पिंच शुगर डालना मत भूलना। शुगर इसलिए डालते हैं क्योंकि वो टेस्ट को बैलेंस करता है, तो इसीलिए डाला जाता है। बस बन गई अपनी पनीर। I can't wait, a first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. सुबह का 11 को बोला था चलेंगे बाहर, और अभी शाम का 5:30 हो रहा है, हम लोग बाहर जा रहे हैं। एक्चुअली घर का काम हुआ फिर खाना पीना हुआ, लंच के बाद सब लोग नैप ले लिया, तो पूरा फ्री होके अब जा रहे हैं बाहर। Catch me if I fall. Catch me if I